बरकत, तुम? हाँ, मैं मेजर बरकत अली वीर चक्र। कोई शक? कोई शक नहीं मेजर बरकत अली, तुम्हें देखकर तरस आता है। क्या मिला तुम्हें वीर चक्र? मुझे देखो, एक मामूली मेजर से बन गया हूं जनरल, सेल्फ स्टाइल जनरल शैतान सिंह। तूने कभी ये जानने की कोशिश की कि तेरी मां ने तेरा नाम शैतान सिंह क्यों रखा? कोई मां अपने बेटे को 9 महीने कोख में रखने के बाद उसका नाम शैतान सिंह नहीं रख सकती, क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि उस मां को जन्म देने वाली भारत माता का सौदा तू एक दिन जरूर करेगा। खामोश! जब तक इस पाक मिट्टी पर एक भी बरकत अली जिंदा रहेगा, तब तक तुझ जैसे हर शैतान को इस भारत मां के सामने सर झुकाना होगा। मैं 3 तक गिनूंगा, अपने आप को मेरे हवाले कर दे, वरना कुत्ते की तरह घसीटता हुआ यहां से ले जाऊंगा। अच्छा, बहुत नाज है तुझे अपने बाजुओं की ताकत पर, मगर शायद तू भूल गया है कि हम दोनों एक ही गुरु के 2 शिष्य हैं। इसीलिए तो तेरी कमजोरी मैं जानता हूं। कमजोरी? कोई शक? कौन सी कमजोरी? मेजर बरकत अली, तो तुम ही हो वो सूरमा जिसने मेरे भाई की गर्दन पर हाथ डाला है? अभी तो सिर्फ गिरेबान पे हाथ डाला है, कुछ ही दिनों में उसके गले में फांसी का फंदा भी मैं ही डलवाऊंगा। बरकत अली, वो हैवान सिंह के भाई की गर्दन है, किसी लड़की की नहीं जिसमें तुम जब चाहो आके बंद करके वरमाला डालो। मैं वो हाथ काट कर फेंक दूंगा जो मेरे छोटे भाई की तरफ पड़ेंगे। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें समय और जगह बता देता हूं। समय सुबह के 10 बजे, जगह हाईकोर्ट, मुलाकात वहीं। हाँ, मेरा भाई तो अदालत नहीं पहुंचेगा, बल्कि तेरी लाश जरूर पहुंचेगी। जिसके सर पर अली का साया हो हैवान सिंह, उनकी रजा हुई तो मैं आधी को पैरों तले रौंद कर दफन कर दूंगा। तुम्हारे दावे में दम है, और बाजुओं में उससे ज्यादा। अपने भाई की मैयत की तैयारी कर। कोई शक?